सरबजीत सिंह घुमान जी है मेरे नाल, सिख विद्वान पंथ खालिस्तानी चिंतक है ने, की कहना चाहते हो जो अज्ज घल्लूघर आ जून 84 की 38वीं वरेगंढ ते की चलता मन च? जिहड़ा जून 1984 नूं घल्लूघर वापरिया उहदे विच्चों संत ग्यानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालां दे जिहड़े बोल सीगे बचन सीगे उह तों पहिरा देण वाले शहीदी जथे तैयार होए जिन्हां ने खालिस्तान का संघर्ष लड़िया। उस संघर्ष दे विच उतरा चढ़ा आउंदे रहे ने, गांह भी आउंदे रहणगे। अज जिहड़ा इत्थे सिख संगतां ने खालिस्तान दे उत्ते फिर अहद कीता, जिस तरीके नाल अज जिहड़ियां वड्डियां साडियां कौम दीआं शख्सियतां ने जां वड्डे अहुदिआं ते वड्डे रुतबिआं ते बैठे लोक ने अज उह वी खालिस्तान की गल करन लई जिहड़े हैगे आ हुण तैयार हो रहे ने। इह नवीं ते चंगी गल आ। जिहड़ियां धिरां संस्थावां अजे भी खालिस्तान वल नहीं आ सकियां जां जिहड़े व्यक्तियों का अजे भी असीं अरदास करदे आ वी सच्चे पातशाह उन्हां ते वी किरपा करन, इक दिन जरूर आऊगा जदों कोई भी धरती ते इहो जिहा बंदा नहीं बचूगा जिहड़ा खालिस्तान दे हक च ना होवे। अगली गल ये आ कि जिहड़ा अज इत्थे इन्ने भारी इंतजाम करने पै रहे आ, जिहड़ा भारत सरकार नूं कंपनियां फौज पुलिस पता नहीं की कुछ लाउणा पै रिहा, जिहड़ी हकूमत पिछले 30 साल तों लगातार पिट रही आ कि खालिस्तान दा इशू खत्म हो चुके आ। जे खालिस्तान दा इशू खत्म हो चुके तां फिर इन्ने इंतजाम ना करने पैंदे। इह इस गल दी गरंटी आ, इह गवाही आ कि जे तुहानूं इन्ने इंतजाम करने पै रहे ने तां स्पष्ट गल है कि खालिस्तान का इशू जिउंदा है। ये उदों तक इदां ही संघर्ष चलूगा जदों तिकर UNO दे विच जिथे बाकी मुल्कां दे झंडे झूलदे आ साडा खालिस्तान का झंडा जिहड़ा जदों तक उत्थे झूल ही जांदा। इह मेरे अज दे विचार ने। जरूर जी, तुसीं भी दर्शकों जरूर कमेंट करके अपनी राय दिओ कि की तुसीं भी इस गल दे नाल सहमत हो जां नहीं कि जिहड़ी इन्नी भारी फोर्स ऐतकी लगाई गई हैगी आ पिछले वरियां नालों ज़्यादा, कि की इह इस गल का सबूत नहीं है कि हिंद हुकूमत नूं इस गल का पता हैगा कि सिखां दे अंदर खालिस्तान वाली जिहड़ी वो चंग्याड़ी हैगी आ वो हैगी आ। हुकूमत नूं इस गल का डर वा कि कितें वो चंग्याड़ी भांबड़ ना बल जाए। कि तुसीं इस गल नाल सहमत हो कि इन्ने वड्डे इंतजाम जिहड़े ऐतकी कीते गए ने पिछली बार नालों ज़्यादा, कि तुहानूं भी लगता कि वाकई इस गल का सबूत है?